नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्णय के आलोक में बीसीसीएल द्वारा चिरकुंडा नगर परिषद के बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर जनवरी 2023 में ही लगभग 2.5 करोड़ रुपए दिया जा चुका है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा 6 माह बीत जाने के बाद भी उक्त राशि को न ही नगर परिषद को दिया गया और न ही प्रभावित लोगों के पुनर्वास की दिशा में कोई प्रयास किया गया। यह आरोप चिरकुंडा नगर परिषद के निवर्तमान उपाध्यक्ष सह भाजपा जिला ग्रामीण के जिला उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने बताया। सिंह ने 16 मार्च 2020 को 137 बाढ़ प्रभावित को मुआवजा की मांग को लेकर मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी। आयोग द्वारा लगातार सुनवाई के बाद बीसीसीएल को मुआवजा देने का आदेश दिया गया। सिंह ने बताया कि धनबाद जिला प्रशासन लगभग 6 माह से पीड़ित परिवार की राशि पर कुंडली मार कर बैठी हुई है, जबकि आदेश में स्पष्ट निर्देश है कि प्रभावित परिवार को प्रधानमंत्री आवास के तर्ज पर आवास बनाकर दिया जाए। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देश के आलोक में 5 जनवरी 2023 को बीसीसीएल ने 2,49,75,000 रुपए जिला प्रशासन के बैंक खाते में जमा करवा दिया है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त राशि को नगर परिषद को सौंपने की जरूरत है ताकि प्रभावित परिवार को आवास उपलब्ध कराया जा सके। आपको बता दें कि 27 जुलाई 2018 को भारी बारिश के कारण झिलिया नदी में बाढ़ आ गया था। बाढ़ आने का मुख्य कारण था कि बीसीसीएल सीवी एरिया द्वारा नदी के बहाव को अवरुद्ध कर ट्रांसपोर्टिंग के लिए रास्ता बनाया जाना। बाढ़ के कारण भारी तबाही हुई थी और वार्ड 1, 12, 13, 14, 15, 16 व 17 के सैकड़ों की संख्या में लोग प्रभावित हुए थे। 137 लोगों की सूची तैयार की गई थी। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप पर बीसीसीएल मुआवजा देने पर सहमति जताया था, लेकिन मुआवजा नहीं देने पर सिंह ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत का निर्णय लिया। आयोग द्वारा सुनवाई के दौरान कोल इंडिया के सचिव व झारखंड के मुख्य सचिव को तलब किया था। अंततः पीड़ित परिवार के पक्ष में आयोग का फैसला आया और बीसीसीएल को मुआवजा राशि का भुगतान करना पड़ा। 2018 में 26-27 जुलाई की मध्य रात्रि बाढ़ आई, ओलावृष्टि हुआ था, उसके बाद बीसीसीएल ने झिलिया नदी को बांध दिया था, प्राकृतिक भी था और बनाया हुआ। इसके कारण नदी का पानी का विस्तार हुआ और बहुत सारे लोगों का घर का सामान बह गया। यहाँ के लोगों का, बहुत सारे लोगों का घर विलोपित हो गया उस बाढ़ के पानी। हम लोगों ने उस समय बीसीसीएल और जिला प्रशासन के पास आना जाना, क्रमबद्ध अपील करना, उनके पास लिखा पढ़ी करना लगातार करते रहे, लेकिन कोई राहत नहीं मिला। उसके बाद हमने स्वयं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास एक अपील, एक याचिका दायर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने उसको डायरी के रूप में दर्ज किया, जांच कराया और जांच कराकर एफआईआर के रूप में बदल दिया। बदलने के बाद भारत कोकिंग कोल को उसमें एक्यूज बनाया गया और अनेक जांच होती रही। बीसीसीएल कहता रहा, जिला प्रशासन कहता रहा कि बीसीसीएल की आर्थिक स्थिति खराब है। जब राष्ट्रीय मानव अधिकार ने करा रुख अपनाया और भारत सरकार के कोल सचिव और मुख्य सचिव झारखंड को फिजिकल उपस्थित होने का आदेश दिया तो इन लोग की हलचल बढ़ी और तब जाकर बीसीसीएल ने 2,49,75,000 रुपया 5/1/2023 को जिला प्रशासन के खाते में जमा कर 111 लोगों को कि आप इनको आवास बनाकर, उसने अपने ऑर्डर शीट में लिखा है मानव अधिकार आयोग कि जिला प्रशासन के खाते में बीसीसीएल ने पैसा अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के साथ है कि पैसा बीसीसीएल ने जमा कर दिया गया है। कब जमा किया है? 5/1/2023 को 2,49,75,000 रूपये। लेकिन क्या हुआ कि 400 स्क्वायर फीट का आवास बनता है प्रधानमंत्री आवास, 400 स्क्वायर फीट का एक आवास बनाने में 3 महीना 2 महीना का समय लगता है। 7 महीना बीत गया, इस नगर परिषद कार्यालय को भी पता नहीं है कि बीसीसीएल ने पैसा जमा किया है और जिला प्रशासन उस पैसे को कहां रखा है, ब्याज कमा रहा है, कहीं इन्वेस्ट कर दिया। और इसमें जितने लोगों की सूची है जो प्रताड़ित है प्राकृतिक प्रकोप से और बीसीसीएल के प्रकोप से, उन सारे लोगों में 99% लोग हमारे दलित भाई बंधु हैं। गरीब कल्याण उनके लिए चाहिए, प्रधानमंत्री जी भी
चलाते हैं, गरीब कल्याण योजना। गरीब हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं, लेकिन जिला प्रशासन ना ही नगर पालिका को बताया और पैसा लेकर बैठा हुआ कुंडली मारकर। तो मैं आप सभी के माध्यम से अपने उपायुक्त धनबाद और कार्यपालक पदाधिकारी चिरकुंडा से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द आवास बने। 7 महीना में तो आवास बनकर गृह प्रवेश हो गया रहता, और इस वर्षा काल में लोग धूप के समय में, गर्मी के समय में भी लोग अपने घर में चैन की नींद सोते। आज भी जाइएगा तो बगान धौरा में बहुत ऐसा परिवार है जिसको हमने तिरपाल दिया था 2018 में, वो तिरपाल बांधकर अपनी छत पर रखा है कि ओलावृष्टि होती है या धूप होता है तो उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग उस तिरपाल से अपने आश्रय में शरण लिए। उस समय कितने लोगों के घर का इस तरह ध्वस्त हुआ था बाढ़ में? देखिए, हम लोगों ने 137 पर कम्प्लेन किया था जो पूर्ण रूपेण विलोपित हुआ था बाढ़। ऐसे तो बहुत लोगों के घर में पानी ढुकी थी, बहुत लोगों का सामान बह गया था, लेकिन उनका घर पक्का का था, लेकिन जिनका मट्टी का था, जिनका पूर्ण रूपेण विलोपित हो गया था बाढ़ के पानी में, मट्टी का दीवार बह गया, भस गई छत, उन सारे लोगों को सूची बनाकर इस नगर पालिका के माध्यम से हम लोगों ने बीसीसीएल को लिखा था, लेकिन बीसीसीएल उस समय तैयार नहीं हुआ। और यह हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को बधाई देते हैं कि हमारे आवेदन पर संज्ञान लेते हुए, गंभीरता दिखाते हुए माननीय मानव अधिकार आयोग ने और बीसीसीएल से पैसा जमा कराने का काम किया है। इसके लिए हम तहे दिल से आभार उनके प्रति प्रकट करते हैं, लेकिन उपायुक्त धनबाद और कार्यपालक पदाधिकारी चितुंडा से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द आवास इनका बने, या तो उनको नगद राशि का भुगतान हो जाए, स्वयं आवास बना ले, या नहीं तो उनको आवास बनाकर दिया।